नमस्कार दोस्तों, रेस क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करने के लिए आज का विषय निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का एक ऐसा टॉपिक जिसका अगर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन न किया जाए तो संविधान एवं राजव्यवस्था का अध्ययन किसी भी रूप में पूर्ण नहीं होता है। किसी भी स्तर की परीक्षा में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, यहाँ से सवाल का आना तय माना जाता है। अगर इस चैप्टर का बेहतर ढंग से अध्ययन कर लिया जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन का और इसी तरीका मुख्य परीक्षा में भी आपके किसी न किसी रूप में 1 से 2 प्रश्न के जो है सही होने और उस पर अच्छे मार्क्स प्राप्त करने की संभावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार निर्धारित किया गया है। मौलिक अधिकार एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मौलिक अधिकार का पहला भाग आज आप लोगों के समक्ष अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है और पुनः इसका दूसरा भाग भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले भाग के अंतर्गत हम इसके सामान्य परिचय और प्रारंभिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत मुख्य रूप से आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपके रूप में अर्थ वैश्विक स्तर पर इसके क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लिखित रूप में संविधान की व्यवस्था की गई है। तो अमेरिका और इसी तरीके से अन्य देशों से इसकी तुलना होती रहती है और कई बार तुलनात्मक रूप से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कर लेना आवश्यक और समीचीन होगा। तो इस स्थिति में महत्व, इसकी विशेषताएं और कुछ सिद्धांत हैं जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में प्रचलित हैं, तो उसका अध्ययन भी करना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग एक तरफ से इसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसके अर्थ को अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि मूल से जो है निकला हुआ है, अर्थात मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है और सरकार के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और ना ही संसद के द्वारा इस तरीके से कोई संविधान संशोधन किया जाता है जिससे ये सीमित हो जाए। और दूसरी तरफ स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, अर्थात वह अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक एवं उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है तथा जिनमें राज्य सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तथा न्यायपालिका के द्वारा इनका संरक्षण प्रदान किया जाता है, वह अधिकार भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के संदर्भ में मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि संविधान में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है और इन्हें इनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा एक गारंटी प्रदान किया जाता है और इस पर जो सीमाएं लगाई गई हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों के ही संदर्भ में है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार जो है वो मूल है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, इस आधार पर ये अधिकार जो है व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार का अर्थ हम लोगों ने देखा और शायद आप लोगों को समझ भी आया होगा। और दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर प्रावधान, इसका भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। तो अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर चूंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है और यह एक लोकतांत्रिक देश भी है, तो इसके संदर्भ में भी चर्चा करना आवश्यक होगा। यद्यपि अमेरिका में प्रारंभ में संविधान के द्वारा व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, लेकिन 2 वर्ष बाद यानी कि 1791 ईस्वी में प्रथम 10 संविधान संशोधन के माध्यम से व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस तरीके से वहां पर संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन वहां का मौलिक अधिकार वो नैसर्गिक अधिकार के समान है, प्राकृतिक अधिकार के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर
अमेरिकी न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जब अध्ययन किया जाता है और उसका निर्वचन या विश्लेषण किया जाता है तो उस स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति के मानवीय पक्षों को, प्राकृतिक पक्षों को, मौलिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक समझती है तो उन अधिकारों को सीमित भी कर सकती है या उनको विस्तृत भी कर सकती है। इसी के कारण से दुनिया में जब न्यायिक सर्वोच्चता की बात होती है तो यह कहा जाता है कि अमेरिका को न्यायिक सर्वोच्चता के आधार पर वहाँ का जो वहाँ की न्यायालय की व्यवस्था है वो सबसे शक्तिशाली व्यवस्था है, क्योंकि उसे विवेक के आधार पर विषयों का, नियमों का, कानूनों का, प्रावधानों का अध्ययन, निर्वचन और विश्लेषण करने की शक्ति प्राप्त की गई है। तो इस तरीके से अमेरिका की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन में चूंकि कोई लिखित संविधान नहीं है इसलिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ के सम्राट, साम्राज्ञी और शासन के स्तर पर समय समय पर जो घोषणाएं की गई हैं उससे वहाँ पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों अपने व्यक्तित्व के विकास कर सके। तो ऐसी स्थिति में वहाँ दो प्रकार के आदेश जारी किए गए थे 1215 ईस्वी में, मैग्ना कार्टा, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये इतिहास में भी पढ़ाया जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, और 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स, ये नाम से भी स्पष्ट है कि राइट अधिकार से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ही आदेशों के माध्यम से, इन दोनों ही कानूनी प्रावधानों के जो है माध्यम से ब्रिटेन में भी लिखित संविधान ना होने के बावजूद भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है, और इसके माध्यम से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आधार और अधिकार यहाँ से प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्रांस में देखें तो वहाँ की जो क्रांति थी वो बेसिकली स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित थी, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान करने के लिए जमीन तैयार करती है। और बाद में 1789 ईस्वी में फ्रांस में अधिकारों की घोषणा को अपने संविधान में शामिल कर लिया गया, जिसके माध्यम से व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत इस तरीके की प्रावधान जो किए गए हैं और इससे संबंधित व्यवस्थाएं भारत में भी देखने को मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 15 के बीच में किया गया है। अगर हम यूएनओ को देखें, यूएनओ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में मानवीय या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है, जो कि पूरी तरीके से सार्वभौमिक, सार्वभौमिकता का तात्पर्य यह है कि ये अधिकार, जैसा कि यहाँ पर मौलिक शब्द लिखा गया है, इसी से स्पष्ट होता है कि वो मौलिक है, मूल है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वह सार्वभौमिक है, उनका किसी भी स्थान से, किसी भी सरकार से, किसी भी जाति से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, वो व्यक्ति के जीवन के साथ ही जुड़ जाती हैं और मौलिक हैं और आवश्यक हैं, और उन आवश्यकताओं के कारण से उनको अलग अलग देशों में अपने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के माध्यम से उनको दिया जाता है। तो इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल है, आवश्यक है, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और सामान्य परिस्थिति में वह सरकार के द्वारा सीमित नहीं की जाती हैं और न्यायालय के द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसीलिए कई बार सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यायालय को भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रक्षक या अभिभावक या संविधान का रक्षक या अभिभावक कहा गया है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, लोकतंत्रीय मूल्यों और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की भावना को भी सिद्ध करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैश्विक स्तर पर एक व्यापक प्रावधान इस मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधानों को किए गए हैं और मौलिक प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार का महत्व तो क्या है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में रखे गए हैं तो इसके महत्व तो क्या है। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक
लोकतंत्र का आधार है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र, जैसा कि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें सत्ता जो है या शक्ति अंतिम रूप से जनता में प्रतिबिंबित होती है और वह चुनाव के माध्यम से अपने जनादेश के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है और वह सरकार का एक नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वह जनता के हित में शासन का संचालन करे। और मौलिक अधिकार भी इसी तरीके से व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने जीवन यापन करे, अपने व्यक्तित्व का विकास करे। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के भी आधार प्रदान करता है, लोकतंत्र का आधार है ये मौलिक अधिकार की व्यवस्था। और दूसरी तरफ ये दलीय तानाशाही को भी रोकता है। लोकतंत्र का आधार है और दलीय तानाशाही को रोकता है। दलीय तानाशाही के तात्पर्य एक दल के द्वारा अगर सरकार बना लिया जाता है तो वह मनमर्जी करना प्रारंभ करे, ऐसा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में और व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए व्यवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि इसी के साथ साथ व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं जिससे समय समय पर एक निश्चित समय पर सामान्य 5 वर्ष के बाद जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है और चुनाव में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। यदि किसी भी तत्कालीन सरकार के द्वारा जनता के हित में शासन का संचालन नहीं किया जाता है तो वह चुनाव के माध्यम से उस सरकार को बदल सकती है, जनादेश किसी अन्य राजनीतिक दल को दे सकती है। तो यह दलीय तानाशाही को भी नियंत्रित करता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के जो है वैयक्तिक स्वतंत्रता यौन सामाजिक सामंजस्य में जो है संतुलन स्थापित करता है। सामाजिक और स्वतंत्रता वैयक्तिक स्वतंत्रता यौन सामाजिक सामंजस्य में संतुलन स्थापित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफ व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं लेकिन उस पर कुछ निश्चित दशाओं में नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है, वहां पर मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। लेकिन वो सीमाएं यह नहीं स्पष्ट करती कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए हैं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो राष्ट्र की एकता अखंडता हो या समाज के संवेदनशील वर्गों के व्यक्तित्व के विकास का मैटर हो, उनकी संस्कृति की सुरक्षा का मैटर हो, तो इस आधार पर उस सीमा तक प्रतिबंध लगाया जाता है जहां तक वह इन बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सामंजस्य या राष्ट्र की एकता अखंडता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस पर सीमित मात्रा में प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी इसके माध्यम से किया गया है। तो इस तरीके से लोकतंत्र का आधार होती है दलीय तानाशाही को रोकने का काम करती है और वैयक्तिक स्वातंत्र एवं सामाजिक सामंजस्य में संतुलन स्थापित करने का भी काम मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसके साथ में हम इसकी विशेषता पर भी चर्चा करना उचित समझते हैं कि मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो यह है कि चूंकि इतना महत्वपूर्ण था इसलिए इस मौलिक अधिकार के माध्यम से व्यक्ति को एक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। आगे जो है इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के अधिकार, मूल रूप से 7 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और वर्तमान समय में 6 प्रकार के अधिकार विद्यमान है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की जो पहली विशेषता है वो यही है कि मौलिक अधिकार एक विस्तृत अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार एक विस्तृत अधिकार पत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का एक व्यापक प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसकी संविधान के द्वारा उनको गारंटी दी गई है। संसद के द्वारा उसे अनावश्यक सीमित नहीं किया जा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय के द्वारा उसको संरक्षण भी दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। इसके साथ साथ ये व्यवहारिक स्थिति भी है।
यद्यपि मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं, सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर प्रदान किया गया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी लोगों को समान रूप से दर्जा देने के साथ साथ समाज के जो निम्न वर्ग हैं, जो समाज के संवेदनशील वर्ग हैं, तृणमूल स्तर पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत समाज में महिलाएँ हैं, बच्चे हैं और इसी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सभी लोगों को कुछ आधारों पर विशेष प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, ताकि वह सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं उस पिछड़ेपन से दूर हो सकें, समाज और व्यक्ति के विकास में अपना योगदान देते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। तो इस आधार पर यह सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक है, अर्थात ये समान रूप से सबको दिए जाने के साथ साथ कुछ लोगों को विशेष रूप से भी व्यवस्था करके उनको समाज और विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है। इसके अंतर्गत एक चीज यह है कि यह निरंकुश नहीं है। निरंकुश, निरंकुश का तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए तो दिया गया है, परंतु यह नहीं है कि यह निरपेक्ष है, परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। निरपेक्ष का तात्पर्य है कि किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सापेक्ष का तात्पर्य यह होता है कि विशेष परिस्थितियों में उसे कुछ सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसा कि इस टॉपिक पर चर्चा के दौरान ही बताया गया कि देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए, सदाचार एवं नैतिकता की बात को बनाए रखने के लिए, इसी तरीके से अनुसूचित जातियों जनजातियों के संस्कृत, उनके आवास या उनकी पूर्व की जो है व्यवस्था कल्चर को बनाए रखने के लिए उस पर सीमित मात्रा में या निश्चित सीमा तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात ये इसी बात को पुनः सिद्ध करता है कि ये व्यवहारिक है और इस पर कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अर्थात यह निरंकुश नहीं है, परिस्थितियों के सापेक्ष है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ और हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इस तरीके से विस्तृत अधिकार पत्र है, व्यावहारिक है, निरंकुश है। इसी के साथ साथ इसकी संरक्षण भी प्रदान किया गया है, इसको संरक्षण भी प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, 32-2 के अंतर्गत रिटों को जारी करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। यह अलग अलग प्रकार के अधिकारों के प्रभावित होने की स्थिति में इन दोनों ही न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। यद्यपि 32-2 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही जारी किया जाता है, जबकि 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य अधिकार के भी रक्षा के लिए वह जारी करता है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों की यह व्यवस्था पूरी तरीके से इन विशेषताओं पर आधारित है और भारत में व्यवहारिक स्तर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं, जिससे व्यक्ति अपना विकास करते हुए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो इस तरीके से आज हमने मौलिक अधिकार के प्रारंभिक प्रावधानों पर उसके शुरुआती दौर को समझने के लिए एक विस्तृत चर्चा की। इसके साथ में कुछ सिद्धांत हैं जिसका अध्ययन कर लेना यहाँ पर आवश्यक और समीचीन है। जैसा कि आपको बताया गया कि ये 12 से लेकर के 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है, तो इसके आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ इस चीज को बताना आवश्यक है क्योंकि राज्य जो शब्द है वो अलग अलग परिस्थितियों में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जब हम राजनीति विज्ञान में राज्य पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य से तात्पर्य जो है भारत वर्ष से है, लेकिन जब हम सामान्य संविधान एवं राज्य व्यवस्था में राज्य पढ़ते हैं तो उसका मतलब प्रांत से है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से है। लेकिन यहाँ पर जो राज्य हम पढ़ रहे हैं, राज्य की परिभाषा दी गई है वो ये है कि राज्य के अंतर्गत सरकार, उसके अंग, अभिकरण या अधिकरण या वह निकाय जो संसद के द्वारा या संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का एंटरटेन करती हैं, उन शक्तियों को प्रयोग में लाती हैं, उन सभी से है, ताकि यदि कहीं पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उसे राज्य के दायरे में ला करके और उससे
व्यक्ति को न्यायालय के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो राज्य के तात्पर्य यह है कि वह सभी अंग अभिकरण या निकाय जो भी पावर का इस्तेमाल करती हैं या सरकार के नियम कानून का जो क्रियान्वयन करती हैं वह भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। अगर वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी तो जहां जहां पर भी ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा ऐसा किया जाएगा या राज्य के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है वहां पर उनको भी राज्य मान करके उस पर न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से 12 के अंतर्गत राज्य का जो है परिभाषा दिया गया है, राज्य को परिभाषित करने का एक प्रयास किया गया है। 13 अनुच्छेद 13 के माध्यम से अनुच्छेद 13(1) में जो है कहा गया है, अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान को लागू होने यानी कि अंगीकार 26 नवंबर 1949 और पूर्ण रूप से लागू करने का जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है उस तिथि से पूर्व में यदि कोई भी कानून प्रचलित रहा हो और वह संविधान के द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों से सुसंगत नहीं आता है या असंगत आता है या उसके कुछ प्रावधानों से विरोधाभास की स्थिति बनाता है तो वह प्रावधान उस सीमा तक शून्य घोषित होगा जहां तक वह भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों के प्रावधान से टकराव की स्थिति में आता है, अर्थात उसका वह भाग शून्य घोषित हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों से प्रावधान से टकराव की स्थिति रखता है, उसे सुसंगत नहीं होता है, उससे असंगत होता है, अर्थात व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का समर्थन जहां तक वो नहीं करता है वहां तक वो शून्य घोषित हो जाता है। इसे ही ये कहा जाता है कि उस भाग पर भारतीय संविधान प्रभावी हो जाता है क्योंकि वो पूर्व का नियम होता है और पूर्व के नियम पर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के जो संविधान का प्रावधान है वो प्रभावी हो जाएगा और वह उस सीमा तक शून्य घोषित होगा जहां तक वह संविधान और मौलिक अधिकारों से टकराव की स्थिति में आएगा। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आच्छादन का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान उस भाग पर आच्छादित हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, तो इसलिए इसे आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि बाद में संविधान को लागू होने के बाद भी यदि राज्य के विधानमंडल और संसद के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा कानून बनाया जाता है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून के उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा जहां तक वह संविधान और मौलिक अधिकारों से टकराव की स्थिति में आएगा, उससे असंगत होगा। तो इसे ही पृथककरण का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि ये बाद की व्यवस्था है, संविधान लागू होने के बाद की व्यवस्था है कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया और यह जो है पूर्व की व्यवस्था है कि संविधान लागू होने के पूर्व में अगर कोई कानून बनाया गया है तो वह टकराव की स्थिति में आएगा तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा और उस भाग पर संविधान एवं राज्य व्यवस्थाएं प्रभावी हो जाएंगी, आच्छादित हो जाएंगी। लेकिन भाग अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत ये कहा गया है कि बाद में संविधान लागू होने के बाद में संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और वह टकराव की स्थिति में आता है या प्रावधानों से असंगत होता है तो वह उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा, शेष भाग जो संवैधानिक है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से टकराव की स्थिति नहीं रखता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल उन प्रावधानों को जो टकराव की स्थिति में आएंगे या जो असंगत में होंगे उन्हें पृथक कर दिया जाएगा, इसीलिए इसे पृथककरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए इसको पृथककरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्य और कुछ अन्य परिभाषाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है ताकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके महत्व को स्पष्ट किया जा सके। तो इस तरीके से अनुच्छेद 12 और 13 के माध्यम से एक संवैधानिक आंगिक प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं उसको स्पष्ट करने में मदद मिलती है। इसके साथ में जो है संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाने वाले कानून और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांत हैं जिसको समझना यहां पर आवश्यक है। एक है विधायी क्षमता, एक है विधायी क्षमता का सिद्धांत,
विधायी क्षमता का सिद्धांत यह बताता है कि राज्य विधानमंडल और संसद को संविधान के द्वारा जो विषय प्रदान किए गए हैं, जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों और उन विषयों के अधीन रहकर के कानून का बनाया जाना विधायी क्षमता का सिद्धांत कहलाता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है और सामान्य परिस्थितियों में अंगों को लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना भी चाहिए, जिससे संविधान की भावना का सम्मान हो सके और व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सके। दूसरा जो सिद्धांत है वो निहित विधायन का सिद्धांत है। निहित विधायन का सिद्धांत है। निहित विधायन का तात्पर्य है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल, यहां पर जब भी कानून बनाने की बात होगी, विधि बनाने की बात होगी, वहां हमेशा केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल की चर्चा होगी। सामान्य रूप से इन्हें ही कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जब कभी भी हम संवैधानिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने की बात करेंगे तो हम हमेशा संसद और राज्य विधानमंडल की ही बात करेंगे। तो यहां पर संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है और उनको जो विषय प्रदान किए गए हैं उस पे कानून बनाने के साथ साथ अगर उससे संबंधित सहायक विषयों पर भी कानून बनाया जाता है तो उन सहायक विषयों पर बनाए गए कानून को निहित विधायन कहा जाता है। एक चीज और भी मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि इन सभी प्रकार के लेक्चर से संबंधित टेक्स्ट जो आपको नोट्स हैं बनाए गए, वो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाते हैं। टेलीग्राम से आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल समझने का प्रयास कीजिए और आपको पढ़ने के लिए वहां से स्टडी मटेरियल टेलीग्राम से आपको मिलता रहेगा, जो आपके समय को बचाएगा और आपको पढ़ने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करेगा। हालांकि पूर्व के लेक्चर में भी एक दो बार बताया गया है, लेकिन प्रत्येक लेक्चर में ये चीज अनावश्यक होता है इसलिए नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर यह इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इस विषय पर कुछ तकनीकी चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं, इसलिए पुनः याद स्मरण हुआ और मैं आपको यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के जो लिंक है टेलीग्राम के, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं, समय बचा सकते हैं, अपनी तैयारी को एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यह निहित विधायन का सिद्धांत है। इसमें एक व्यवस्था है छद्म विधायन की भी व्यवस्था है। छद्म विधायन का तात्पर्य है पुनः जब कानून बनाने की बात तो वही संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपनी सीमा में रहते हुए कानून बनाया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली अगर वो अपनी सीमा के बाहर जाकर के इस तरीके से कोई कानून बनाता है तो वह छद्म विधायन की श्रेणी में आता है, उसे जो है छद्म विधायन कहा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो अपने दायरे में है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी सीमा से बाहर जाकर के कानून बनाता है तो वह छद्म विधायन की श्रेणी में आता है। कोई जरूरी नहीं है कि संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई कानून बनाया जाए तो वह संविधान का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही करे, क्योंकि संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं और संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह इन प्रावधानों से इतर अगर किसी भी प्रकार के परिस्थिति में कुछ अपेक्षित है कानून बनाने का तो वह वहां पर कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर केवल उन विषयों से बाहर जाकर के ही कानून बनाया जाता है तो केवल उन विषयों पर ही बनाए गए कानून वैध नहीं होंगे, बल्कि अगर वो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो अन्य कानून भी वैध होंगे जो देश की परिस्थितियों में देश के विकास के लिए और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से विधायी क्षमता का सिद्धांत, निहित विधायन का सिद्धांत और छद्म विधायन इत्यादि की अवधारणाएं स्पष्ट हुई। एक इसमें और सिद्धांत बनता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत मतलब त्याग करना, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकारों को त्याग दिया जाना ही अधित्याग कहलाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को अधिकार को त्याग करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकार न केवल व्यक्ति के बल्कि व्यक्ति के विकास के द्वारा संपूर्ण समाज के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में इसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आप अपने अधिकारों का त्याग कर दीजिए, जबकि अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है कि वहां पर व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है, लेकिन भारत में इस तरीके के सिद्धांत बनाए गए हैं कि अधित्याग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भारत में जो व्यवस्था है वो अधित्याग करने का समर्थन नहीं करता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार के एक सामान्य परिचय के साथ साथ वैश्विक और ऐतिहासिक स्तर पर मौलिक अधिकारों के प्रावधान, उसके महत्व, उसकी विशेषताएं
और प्रारंभ में अनुच्छेद 12 और 13 के द्वारा किस तरीके से संवैधानिक आंगिक तकनीकी प्रावधान किए गए हैं, उनके साथ साथ हम विधान से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर आज अध्ययन किए हैं। आज का ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपको मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक व्यवस्थित तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक समझ विकसित करने में मदद करेगा। पुनः इसके दूसरे भाग को लेकर के हम जल्द ही आप लोगों के साथ क्लास शेयर करेंगे। तब तक आप इस क्लास के साथ साथ अपनी संपूर्ण तैयारी को एक सही दिशा देने का प्रयास कीजिए। मेहनत और ईमानदारी नैतिकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगे रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। तब आगे तैयारी करिए और पुनः एक क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।